हाय मित्रों नमस्कार, मैं स्पोकन इंग्लिश से मिथिलेश तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रोनाउंस लिए हैं और वो प्रोनाउंस कहां कहां यूज होंगे, किस स्थिति में यूज होंगे, सिंगुलर के साथ यूज होंगे, प्लूरल के साथ यूज होंगे या सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होंगे, उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। तो पहला हमने लिया है अदर को, अदर जिसका प्रयोग हम प्लूरल नाउंस के साथ अफर्मेटिव में करते हैं। अदर का प्रयोग जो है प्लूरल नाउंस में, प्लूरल नाउंस के साथ अफर्मेटिव में करते हैं, पॉजिटिव में करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो बुक्स, तो बुक्स लिखेंगे, बुक नहीं लिखेंगे, नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स, ड्रामास, इस तरह से हमेशा हम प्लूरल नाउंस के साथ उसका प्रयोग करते हैं अदर का। दूसरा है अनदर, जो सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है, ये भी अफर्मेटिव में प्रयोग होता है। तो अदर प्लूरल नाउन के साथ अफर्मेटिव में, अनदर सिंगुलर नाउन के साथ अफर्मेटिव में, और तीसरा है एनी अदर। तो एनी अदर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है निगेटिव में। एनी कहीं भी दिख जाए तो एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव में होता है। तो एनी अदर के साथ जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ निगेटिव में यूज होगा। और नेक्स्ट है चौथा, फोर्थ, वन अनदर। तो वन अनदर ये इसका अर्थ क्या होता है हम देखते हैं, एक दूसरे से या को और परस्पर, ये दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ईच अदर जो है ये मोर देन टू के लिए होता है, अर्थात ये दोनों जो है प्लूरल के साथ यूज होते हैं। देखिए आप, वन अनदर इसका अर्थ एक दूसरे से, को या परस्पर, ईच अदर भी एक दूसरे से, को या परस्पर। तो वन अनदर जहां भी रहेगा वो केवल दो व्यक्तियों के साथ या दो वस्तुओं के साथ यूज होगा। और ईच अदर जो है वो भी प्लूरल है, अर्थात ये भी प्लूरल है, वन अनदर भी प्लूरल है और ईच अदर भी प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो प्लूरल नाउन्स के साथ, सारी सब्जेक्ट नहीं, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होगा। तो प्लूरल नाउन के साथ वन अनदर, टू के साथ, और ईच अदर दो या दो से अधिक के साथ, नाउन्स के साथ की बात कर रहे हैं। तो एक एक उदाहरण देखते हैं हम। पहला सेंटेंस है, आई हैव रेड, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुका हूं। अदर बुक्स, दूसरी किताबें मैंने पढ़ ली है, मैं पढ़ चुका हूं। तो इसका अर्थ दूसरा, दूसरी, दूसरे, अर्थात यहां पर बुक्स है, बुक नहीं हो सकता है, यही ध्यान देने की चीज है। बुक्स है, आई हैव रेड अदर बुक्स, बुक नहीं कर सकते हम। आई हैव रेड अदर पोएम्स, बहुत सारी पोएम्स, अदर पोएम्स, दूसरी कविताएं हमने पढ़ ली हैं। आई हैव रेड अदर नॉवेल्स, ड्रामास। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अदर के साथ जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन ही आएगा, उसके बाद नाउन्स है और पोएम्स है, नॉवेल्स है। तो आई हैव रेड अदर बुक्स, आई हैव रेड अदर नॉवेल्स, आई हैव रेड अदर स्टोरीज, आई हैव रेड अदर प्लेज, ये होगा। दूसरा देखते हैं, आई हैव रेड अनदर बुक, यहाँ पर बुक्स नहीं है। अनदर जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन आता है उसके साथ। तो आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, क्या अनदर, दूसरी, दूसरी, और यहाँ पर किताब, दूसरी किताब, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ दूसरी किताबें नहीं है, दूसरी किताब पढ़ लिया है, पढ़ चुका हूँ। पोएम, दूसरी कविता पढ़ लिया हूँ। दूसरी नॉवेल, नॉवेल मैंने दूसरा पढ़ लिया है। तो दूसरा यहाँ पर जो है देखिए, बुक है, बुक्स नहीं है, पोएम है, पोएम्स नहीं है, नॉवेल है, नॉवेल्स नहीं है। तो अनदर का प्रयोग अनदर के बाद हमेशा जब भी आएगा सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा, और अदर के बाद जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज अनदर पेन, अब अनदर है दूसरी, यह दूसरी कलम है, यह दूसरी कलम है। दिस इज अनदर कॉपी, यह दूसरी कॉपी है। दिस इज अनदर बुक, यह दूसरी किताब है। दिस इज अनदर हाउस, यह दूसरा घर है, ठीक है। तो
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर पेन है, यहाँ पर कॉपी है, बुक है, हाउस है, तो अनदर के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे आर अदर बॉयज। आप देखिए, अदर बॉयज अदर बुक्स, अदर बॉयज अदर बॉयज अदर बुक्स, यहाँ अदर जो है वो क्या है, प्लूरल हो रहा है, और बॉयज ये दूसरी वाली, दूसरे वाले लड़के हैं, ये दूसरे लड़के हैं, ये दूसरे लड़के हैं। दे आर अदर गर्ल्स, ये दूसरी लड़कियां हैं। दे आर अदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का, ये दूसरे बच्चे हैं। तो आप देख रहे हो अदर के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है और अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अदर जो होगा, अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा और अनदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, किसमें, अफर्मेटिव में। अगला देखते हैं ईच अदर को, राम एंड सीता लव ईच अदर। तो यहाँ पर राम और सीता जो है, राम और सीता दो व्यक्ति हैं, दो सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल में हो गया। मेन चीज ये देखने की बात है, ईच अदर जो होता है वो दो के लिए आता है, दो वस्तुएं या दो लोगों के लिए आता है। तो राम लव्स, राम एंड सीता लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परस्पर प्रेम करते हैं। राम और सीता एक दूसरे को प्रेम करते हैं, राम और सीता एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परस्पर प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ईच अदर, दो लोगों के लिए ईच अदर आई। अब तीसरा देखते हैं, अगला सेंटेंस, राम सीता एंड भरत, तीनों लोग भाई, राम और भरत भाई, सीता, ये तीन सब्जेक्ट हो गए, राम और सीता भरत तीन सब्जेक्ट हो गए, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में हो रहा है, तो तीन हो गए, दो नहीं है। लव वन अनदर, वन अनदर, तो आप देख रहे हो मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए वन अनदर ला रहे हैं, मोर देन टू के लिए, दो से अधिक के लिए हम ला रहे हैं, क्योंकि राम सीता और भरत तीन लोग हैं। अगला देखते हैं एनी अदर का, तो एनी अदर जो है आप जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ निगेटिव में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ निगेटिव में करते हैं। जैसे आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक, ये भी सही है। आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक्स, ये भी सही है। तो बुक और बुक्स दोनों के साथ हम जो है एनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक और बुक्स दोनों सही है। तो अदर जो है प्लूरल नाउन के साथ अफर्मेटिव में, और अनदर सिंगुलर नाउन के साथ अफर्मेटिव में, एनी अदर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ निगेटिव में, वन अनदर का जो अर्थ है वो एक दूसरे से को या परस्पर दो के लिए, और एनी अदर जो है मोर देन टू के लिए, एनी अदर मोर देन टू के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।